हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में, और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे द नॉलेज हाउस ज्ञान। और आज की जो ज्ञान की बात यहां लिखी हुई है, वो लिखी हुई है जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे। सीधी बात जो है हमें समझने की है वो ये कि अगर आपने अपने जीवन में कोई एम साध लिया है, कोई टारगेट आपने चूज कर लिया है, तो फिर अब ये मत सोचिए कि कितना मुश्किल है, कैसे मिलेगा, कैसे क्या करेंगे। अगर आपने उसको एम बना लिया है तो बस आपको वो प्राप्त करना है। चाहे आप यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लें या फिर आप जो भी एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, अब यहाँ पे ये चीज़ सोचिए कि अगर आपने कोई ये सोचेगा कि यूपीएससी में इतना सिलेबस होता है, इतने एग्जाम होते हैं, मैं कैसे क्लियर करूँगा, या आज अनुदीप ये चीज़ सोच रहे थे तो क्या आज वो टॉप कर पाते। तो बेसिकली आपने अपने जीवन में जो एम बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए, अपना 110% दीजिए, और भगवान आपका सिलेक्शन जरूर करेगा। भगवान से ज़्यादा आपकी मेहनत आपका सिलेक्शन जरूर कराएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस। देखिए दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज़ है वो है एमपीज मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पीचमेंट प्ली। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में मोशन पास हुआ था जिसमें आप कह सकते हैं जो दीपक मिश्रा जी हैं, हमारे जस्टिस दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन जो वेंकटा नायडू जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस जो रिजेक्शन हुआ था, इसके अगेंस्ट में जो एमपीज थे वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लेके आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल करी है। तो देखिए, ऐसे केस में दोस्तों होता क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको मतलब आप कह सकते हैं हेड करते हैं, वो इसका डिसीजन देते हैं। पर बेसिकली इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि जो सीनियर मोस्ट चार जजेस थे, आप जिनका नाम सभी को पता है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो जस्टिस दीपक मिश्रा इनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जो इसमें चार सीनियर मोस्ट जजेस थे वो होने चाहिए थे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लकोर और कुरन जोसेफ, ठीक है। इन चारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस हैं। पर हुआ क्या अब यहाँ पे कि जस्टिस दीपक मिश्रा ने खुद बेंच निर्धारित करी, क्योंकि वो हेड हैं, ऐसे मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था कि जस्टिस दीपक मिश्रा कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज ही इज़ मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से अपनी खुद जज जो इनकी मतलब बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो बनेगी, जो इस केस को देखेगी, वो निर्धारित करी, और उसमें इन्होंने इन चारों को छोड़ के जो सिक्स्थ नंबर से सबसे सीनियर मोस्ट जजेस थे वहाँ से इन्होंने पांच जजेस उठाए हैं। जैसे देखिए आप, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो जे ए के सीकरी सिक्स नंबर के सबसे सीनियर जज हैं, तो वो इस बेंच को लीड करेंगे। उनके अलावा देखिए चार जजेस और होंगे, देखिए फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है जब भी कोई मैटर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मैटर पे आता है कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ से गलत हुई है, तब सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाती है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, और इसमें न्यूज़ में ये आज ही देखिए, आज ट्यूसडे है और आज ही इस मैटर पे सुनवाई होनी है, और ये न्यूज़ है कि इसी के खिलाफ जो जितने भी थे हमारे एमपीज़ वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और पिटीशन फाइल हुई है जो कि कांग्रेस एमपीज़ के खिलाफ करी गई है, और इसमें देखिए जो आप कह सकते हैं इनके ऊपर जो लांछन लगाए गए हैं या इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो ये हैं कि इन्होंने डिफेम किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करी हैं। डिफेम मतलब दोस्तों कि उनको बदनाम करने की कोशिश करी है, पहली चीज़। दूसरा ये कि डिस्कस द मतलब जो राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग हुई है वो इन्होंने पब्लिकली पूरा डिस्कस किया है कांग्रेस के एमपीज़ ने। जो दूसरा इनके ऊपर लगा है दोस्तों कि राज्यसभा की पूरी प्रोसीडिंग को इन्होंने पब्लिक में डिस्क्लोज किया है, डिस्कस किया है, जो कि अलाउड नहीं है। और इस पिटीशन को देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए जुलाई में शेड्यूल किया है, अब इस पे सुनवाई जुलाई में होगी। तो ये दो केसेस रिलेटेड टू जो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस है इससे सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, दीपक मिश्रा जी पे क्या आरोप थे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनको ये कहते थे कि ये अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से जजेस सेट करते हैं और किसी भी केस को अपने जो इनको इच्छा लगता है उस हिसाब से दे देते हैं। लेकिन इस पर तो जजमेंट आ गई है कि जो दीपक मिश्रा जी मास्टर ऑफ रोस्टर है, तो मास्टर ऑफ रोस्टर है तो मतलब वो ऐसा कर सकते हैं, तो अब भले वो करते हो ना करते हो, लेकिन जब वो लीगली सही चीज़ कर रहे हैं तो आप उस पर क्वेश्चन थोड़ा उठा सकते हो, पहली चीज़। दूसरा दोस्तों, ये दो मामले हैं लेकिन इस पर कोई वेरिफिकेशन और कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो ये जो है प्रसाद इलेक्शन एजुकेशन ट्रस्ट केस है, देखिए दोस्तों इसमें क्या था, वन ऑफ द केसेस अंडर द रडार इज लीगल ग्रेटिफिकेशन इन द प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस। द केस पर्टेंस टू एक्सेप्टिंग ब्राइवरी बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन फॉर गेटिंग क्लियरेंस टू सेटअप मेडिकल कॉलेज। इट हैज़ बीन अलीग्ड दैट द मिश्रा हैड सबमिटेड अ फॉल्स एफिडेविट अलाउिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड्स टू इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस है, इसमें क्या हुआ था, मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे एक मेडिकल कॉलेज ने परमिशन ली थी अपना
बिल्डिंग इस्टेब्लिश करने के लिए, और उसमें दीपक मिश्रा जी का ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया था, क्लियरेंस दे दी थी, जिससे कि मेडिकल जो कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जस्टिस लोया डेथ का जो अभी मैटर है कुछ दिन पहले ही आया था, मैंने इस पर बहुत अच्छे से पूरा न्यूज़ डिस्कस करी थी। इसमें देखिए बीजेपी का काफ़ी नाम आ रहा है कि इनकी मृत्यु के पीछे थे, मतलब वो तो अब साफ हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि बीजेपी इसके पीछे नहीं थी, पर जो पहले माना जा रहा था कि बीजेपी अमित शाह का इसके पीछे हाथ था, तो दीपक मिश्रा जी ने उस टाइम पे जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो इनके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि इस पे एक हाई लेवल की जांच स्टार्ट करवाइए और ऐसी ऐसी बातें बोली थी। ठीक है, तो दीपक मिश्रा जी ने उस टाइम पे इस पे मना कर दिया था, और इनको क्योंकि लोग कहते थे कि ये बीजेपी का पक्षपात करते हैं और जो भी ऐसा, देखिए अपने आप ही लिंक कर लेते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया जस्टिस लोया डेथ में कि इनकी डेथ नेचुरल हुई थी, तो जितने भी ये एलिगेशन थे ये तो ऐसे ही फॉल्स प्रूफ हो चुके हैं। बाकी क्या है असलियत क्या नहीं है वो हमें नहीं पता है, लेकिन जो मेन चीज़ हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो जस्टिस लोया डेथ एक एक्सीडेंट थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है ट्रायल इन कठुआ केस मूव टू पठानकोट। देखिए दोस्तों, ट्रायल इन कठुआ केस मूव टू पठानकोट, देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कठुआ रेप केस हुआ था, बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था, तो उसमें देखिए दोस्तों अ स्पेशल बेंच ऑफ दीपक मिश्रा एंड जस्टिस डीवाई चंद्रचूत, इंद्रम मल्होत्रा, जो इंदु मल्होत्रा अभी नई जज बनी है हमारी, दीपक मिश्रा जी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूत की स्पेशल बेंच बैठी थी, और इन्होंने देखिए दोस्तों जो आप कह सकते हैं जो केस बात चल रही थी, जो विक्टिम की फैमिली थी वो चंडीगढ़ डिमांड कर रही थी कि जो केस को शिफ्ट करके चंडीगढ़ कर दिया जाए, पर इन तीनों ने मिलकर इसको पठानकोट डिसाइड किया है। पठानकोट दोस्तों पंजाब का एक आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, तो पठानकोट में देखिए इन्होंने इस जगह डिसाइड कर दी और यहाँ पे अब ये केसेस देखे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कोई भी चीज़ करनी होती है, जैसे कोई शिफ्ट करनी होती है कोर्ट, तो इसमें सबकी स्वीकृति लेनी होती है, जिसमें सबसे पहले विक्टिम की फैमिली, इसके बाद जो स्टेट है, स्टेट ऑफ J&K, और फिर द लॉयर फॉर द अक्यूज, जो अक्यूज्ड हैं, जो मतलब आरोपी हैं उनके जो लॉयर हैं, मतलब आप कह सकते हैं आरोपी की जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, एज वेल एज जो विक्टिम है, इन तीनों का आपस में कॉन्सेंसस होगा। अगर इन तीनों का आपस में कोई मतलब आपस में जो सब कॉमन लगेगा सबको, ऐसी कोई जगह चुनी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। और देखिए दोस्तों, इसको करने के पीछे रीज़न जो बताया गया था वो बताया गया था कि कंसीडरिंग इंड्यूसमेंट ऑफ मैनी ग्रुप्स एंड वेरियस अदर आस्पेक्ट, अ फेयर ट्रायल कुड नॉट बी पॉसिबल एट कठुआ, चीफ जस्टिस रिकॉर्डेड इन इस ऑर्डर। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेन जो इन्होंने कहा है कि देखिए वहाँ पे बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, एक तो कथुआ में, और बहुत सारे ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, तो जिसके वजह से, और बहुत सारे जो अदर रीजन है, उसकी वजह से वहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा कथुआ के अंदर, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में भी बोला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों फेयर ट्रायल क्या होता है, यहाँ पे ये भी एक जानने की बात है। देखिए दोस्तों, फेयर ट्रायल ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, राइट टू लाइफ में, कि एवरीवन हैज़ राइट टू गेट अ फेयर ट्रायल। ठीक है, तो फेयर ट्रायल का मतलब बेसिकली यहाँ पे दोस्तों ये है, वेयर एटमॉस्फियर वेयर विक्टिम्स अक्यूज पर्सन एंड विटनेस फील सेफ एंड डू नॉट सफर फ्रॉम एनी फोबिया इन अटेंडिंग कोर्ट। ठीक है, देखिए बेसिकली इसका मतलब दोस्तों ये कि ऐसा वातावरण चाहिए, फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे विक्टिम जो जिसको सफ़र कर रहा है, जो आरोपी है और जो विटनेसेस हैं, वो लोग सब सेफ फील करें और बिल्कुल घबराएं ना, और आराम से वहाँ पे प्रोसीडिंग हो सके और उन्हें किसी चीज़ का डर ना हो। ठीक है, तो ये है फेयर ट्रायल। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट मिलता है, और तो यही दीपक मिश्रा जी ने कहा है कि फेयर ट्रायल का सबको राइट है, इस वजह से इन्होंने पठानकोट कर दिया है। और बेसिकली देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो अक्यूज्ड होंगे उन्हें तो कथुआ में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लोग सारे आक्रोश में होंगे, कोई पत्थर मार सकता है, कोई मार भी सकता है, तो वो लोग बाहर करेंगे तो उनको तो कम से कम अच्छा है, साथ में विक्टिम की फैमिली भी चाह रही थी कथुआ के बाहर हो, तो उनके भी अपने पर्टिकुलर रीज़न होंगे, तो ये यहाँ पे एक बात है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो प्रोसीडिंग है कैमरे में रिकॉर्ड होगी, जिससे कि इनको कोई डर ना हो जो अक्यूज्ड हैं कि कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए और कुछ मतलब क्योंकि देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोगों का प्री मेडिटेटिंग थॉट होता है कि हाँ इसने किया तो इसको सज़ा देनी है, तो अक्यूज को ऐसा लगे कि हाँ हमें फोकट में सज़ा मिल गई है, बिना किसी मतलब के सज़ा मिल गई, तो इसलिए कैमरा प्रोसीडिंग भी ऑन करने की बात करी है, कैमरा रिकॉर्ड होगा पूरा जो प्रोसीडिंग है, पूरी रिकॉर्ड होगी, जरूरत पड़ने पर उसको देखा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे आप लोगों के लिए, UPSC की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे रणबीर पैनल कोड लगता है, और ये जो डिसीजन आने वाला है ये रणबीर पैनल कोड पे आने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडिया में होता है जैसे IPC लगती है, जिसमें रेप और जितने भी चार्जेस होते हैं वो IPC से डील करते हैं, पर आपके जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों वहाँ पे IPC नहीं लगती है, वहाँ पे आपका लगता है दोस्तों रणबीर पैनल कोड। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या लगता है, रणबीर पीनल कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आप चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिया में IPC लगती है वैसे ही जम्मू कश्मीर में रणबीर पीनल कोड लगती है। ठीक है,
सेम चीज़ है, दोनों क्रिमिनल जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे उससे डील करती है, पर बस उसका नाम है रणबीर पीनल कोड और इसका नाम होता है आईपीसी। ठीक है, अब थोड़ा सा रणबीर पीनल कोड के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंडियन पीनल कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर अंडर 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप सभी को पता है आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रिविलेज देता है कि उसको इंडिया पे सारे राइट नहीं लगते, इंडिया के सारे लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उसी के तहत वहाँ पे इंडियन पीनल कोड नहीं लगता है, वहाँ पे लगता है रणबीर पीनल कोड, और जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था डोगरा डायनेस्टी के द्वारा, डोगरा साम्राज्य के जो राजा थे रणबीर सिंह, उस टाइम पे 1932 की बात है, 1932 में एप्लीकेबल हुआ था। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1932 में रणबीर सिंह ने, जो डोगरा डायनेस्टी के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने ये रूल वहाँ पे स्टार्ट करवाया था, रणबीर पीनल कोड। ठीक है, और ये देखिए बनाया किसने था, तो ये बनाया गया था, इट वाज मेड ऑन द लाइंस ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रिपेयर्ड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकलोरे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रणबीर सिंह राजा जो है उनकी मैंने फोटो यहाँ पर लगा रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है अरुणाचल रेवेन्यू अप बाय 353 करोड़। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ है, देखिए दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये पेज नंबर 3 पे है द हिंदू के, इससे पहले वाली दोनों न्यूज़ पेज नंबर 1 पे थी, आप चाहें तो मतलब अगर आपको आर्टिकल ढूंढना है कि कहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ये न्यूज़ है हमारी क्या कहती है, इसमें देखिए दोस्तों अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने ये बात बोली है कि जो इस बार रेवेन्यू अरुणाचल प्रदेश का इकट्ठा हुआ है वो काफ़ी अच्छा इकट्ठा हुआ है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। 2017 से 18 में देखिए दोस्तों इनका जो 2017 से 18 का इस बार का सेशन रहा है, इसमें इन्होंने देखिए दोस्तों अराउंड आप कह सकते हो 1253 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। यहीं 2016 से 17 में इनका 900 करोड़ का था, और इस टाइम पे देखिए इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, और 2017 से 18 में इनकी गवर्नमेंट आई है, तो इनका 1253 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, आप इस आर्टिकल में इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए 300 करोड़ का डिफरेंस आया है दोनों सालों में, देखिए 2016-17 में 900 करोड़ था, और फिर जब आप कह रहे हैं 2017 से 18 में 1253 करोड़ था, तो इसमें 300 करोड़ के अराउंड का डिफरेंस आया है। तो देखिए दोस्तों जो डिफरेंस है, इन्होंने कहा है कि देखिए हमारी गवर्नमेंट के आने से काफ़ी चेंज आया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि 2018 से 19 के बीच में ये टारगेट ला रहे हैं 2000 करोड़ का, और इतना इसमें फ़ायदा करेंगे। ठीक है, तो 2018 से 19 का इनका टारगेट है 2000 करोड़ का, 2017 से 18 में 1253 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा किया है, और 2016-17 में जो कि 900 करोड़ का था, तो इसमें 300 करोड़ का इन्होंने सीधा साठ बेनिफिट किया है, और उसका जिम्मेदार इन्होंने अपनी नई गवर्नमेंट को बताया है, कहा कि पुरानी गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों हमारी जो दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट अश्योर सिक्योरिटी टू वुमेन। देखिए दोस्तों पेज नंबर 5 पे द हिंदू के आपको न्यूज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताई थी कि कर्नाटका की ये घटना है, जहाँ पे एक पॉलिटिशियन की बेटी थी, उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरी जो शादी है जबरदस्ती करवा दी है मेरी फैमिली ने, और मुझे ये शादी अब नहीं रखनी है, मेरे को शादी ख़त्म करनी है। ठीक है, 26 ईयर्स ओल्ड कर्नाटक पॉलिटिशियन डॉटर हैं ये। ठीक है, अब इनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है फॉर फैमिली की इज्जत और इनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने अपील करी थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए हम द हिंदू मैरिज एक्ट पे हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए द हिंदू मैरिज एक्ट हमारा इसमें कहीं ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि फोर्सफुली शादी, आपको पहले तो बता देता हूँ कि जो हम लोगों की शादी, हिंदुओं की जो शादी देखी जाती है, जो लॉ हिंदुओं की शादी को रेगुलेट करता है, वो करता है हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट, तो जो हिंदू मैरिज को रेगुलेट करता है वो करता है हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहले भी बोली थी कि हम वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये काम लेजिस्लेचर का है कि कुछ लॉ बनाए, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट का ही काम है। बेसिकली देखिए दोस्तों हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि अगर किसी की जबरदस्ती शादी कराई जाए तो वो शादी अवैध है। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात बोली है कि आप अडल्ट हैं और आपकी मर्जी है, आप उनके साथ रहना चाहें तो रहें, नहीं रहना चाहें तो नहीं रहें, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रहेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जरूर जो कि इस बार जो इन्होंने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी वो सिक्योरिटी की लगाई थी, जो कि इनका केस तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी शादी अवैध नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप नहीं रहना चाहें तो वो आपके अडल्ट हैं और आपकी चॉइस, आपकी मर्जी सबसे ऊपर है। ठीक है, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी मांग रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात कही है, बेंगलोर में रहना चाहती हैं, वहाँ पढ़ाई पूरी करनी चाहती हैं, वहाँ काम करना चाहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका पुलिस से बेंगलोर में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कह दी और ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ की वाली न्यूज़ है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारी दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो है, देखिए दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज़ है यहाँ पे, वो मैंने इसका आर्टिकल यहाँ पे भूल से वो मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ पे लगाया नहीं है, लेकिन दोस्तों पेज नंबर 5 या 6 पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी
जो कि है पंजाब गवर्नमेंट ने, देखिए कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ भी डिस्कस करी थी जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने हिस्ट्री की बुक्स में गुरु, जो आप कह सकते हैं सिख गुरुज़ के जो चैप्टर्स थे उसको हटाने की बात हो रही थी, तो उसी पर बीजेपी और जो आपका अकाली दल है उन्होंने गुहार लगाई थी गवर्नर से कि आप इस चीज़ को मना करिए, जो कि काफ़ी लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है और ये चीज़ नहीं हटानी चाहिए, ठीक है। तो इसी पे फाइनली पंजाब गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बात बोली है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये एलिगेशन फॉल्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने देखिए 6 मेंबर की एक टीम बनाई है, टीम नहीं एक कमेटी बनाई है, 6 मेंबर्स कमेटी बनाई है जिसका इनका काम है। देखिए 2014 में कुछ रिकमेंडेशन आए थे इनकी कमेटी के कि कुछ जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें से हटाया जाए, तो उसकी रिकमेंडेशन थी ये कि उसमें से गुरु, जो ये सिख गुरुज़ के चैप्टर हैं इसको हटा दिया जाए, ठीक है। पर इनका ऐसा कहना है कि इसमें हमने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, ये तो इस पैनल की डिसीजन थी और ये हम पे किसको हम एप्लीकेबल करें कि ना करें, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए अब 6 मेंबर की कमेटी बनाई है। उस कमेटी के देखिए दोस्तों जो हेड करने वाले हैं कृपाल सिंह करेंगे, काफ़ी एमिनेंट हिस्टोरियन है कृपाल सिंह, ठीक है, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है कृपाल सिंह, इनकी किताबें भी हैं आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैंने पढ़ी हुई है एक दो इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन है। तो इनके अंडर में इन्होंने एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई है जिसका काम होगा कि 2014 का जो इनका रिकमेंडेशंस आया था पैनल का उस पर स्टडी करें और उसमें सुधार करें, ठीक है, और उसके बाद कोई चेंज आता है तो बताएं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है कि सलमान अपीयरिंग हियरिंग अर्जेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों सलमान खान ने जो अभी अपील करी है, इनको आपको सभी को पता होगा 5 साल की सज़ा हो गई थी, जो केस था इनके ऊपर वो था 2 ब्लैक बक्स की किलिंग का, कनकनी विलेज ऑफ राजस्थान में, इन्होंने 1 या 2 अक्टूबर की बात है 1998 की, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 ब्लैक बक्स को उस टाइम पर मारा था, उस पर केस चल रहा था जिसपे इनको 5 साल की सज़ा हो गई थी, जिसपे इन्हें बेल मिली हुई है, अभी ये बाहर हैं, पर इन्होंने अपील फाइल करी थी जिसपे इनकी कल केस की प्रोसीडिंग थी। तो इन्हें अब नेक्स्ट डेट मिल गई है 17 जुलाई की, जिसमें एक ये बात बोली गई है कि इनको पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आए, नहीं चाहे तो नहीं भी आए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं, हम साथ साथ हैं कि मूवी की शूटिंग कर रहे थे 1998 में 1 या 2 अक्टूबर के अराउंड की बात है, तब ये केस हुआ है, तब इन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 ब्लैक बक्स को मारा था। वहीं देखिए दोस्तों ब्लैक बक्स को मारना क्राइम क्यों है, ये किसी के दिमाग में आया? क्योंकि दोस्तों ये इसलिए क्राइम है क्योंकि ब्लैक बक इज ए स्पीसीज ऑफ एंटीपोल प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। जो ब्लैक बक है इसको मारना इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये एक क्राइम है शेड्यूल फर्स्ट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। अब जैसे कोई मुर्गा और बकरी मारता है तो ये क्राइम थोड़ा, क्योंकि ये किसी अभी लॉ के अंदर तहत नहीं है। वहीं शेर को आप मारोगे तो वो फिर क्रिमिनल क्राइम हो जाएगा क्योंकि शेर इज प्रोटेक्टेड एनिमल और आप उसको नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि उस टाइम पे ब्लैक बक को मारना इज वॉज ए क्राइम, तो इन्होंने उसको मारा, इस वजह से इन्हें सजा हुई है। और सेक्शन 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन्हें सजा मिली है। वहीं पे जो सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बिंद्रे जो को एक्यूज थे उस केस में, उनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए जो इसके बाद देखिए दोस्तों IMD साउंड स्टॉर्म वार्निंग, IMD के फुल फॉर्म में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी आपको पता ही है डस्ट स्टॉर्म का काफ़ी वार्निंग निकली हुई है कि डस्ट स्टॉर्म आ सकते हैं, काफ़ी लोग इससे मर भी चुके हैं। तो देखिए दोस्तों IMD इशूड मिल्ड थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म वार्निंग 48 आवर्स की इन्होंने वार्निंग निकाल ली है। हरियाणा, इसमें देखिए इन्होंने कुछ स्टेट्स को वार्निंग दी, इसमें हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश भी है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली स्टेट्स हैं यहाँ पे 48 घंटे की वार्निंग दी थी, जिसके चलते हरियाणा ने तो अपने स्कूल में छुट्टीज भी कर दी है। दिल्ली में कल रात में आ चुका है डस्ट स्टॉर्म, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों डस्ट स्टॉर्म काफ़ी नुकसान पहुँचा ही रहा है, ऑलरेडी 124 लोग हमारे मर ही चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वीक के अंदर 124 लोग मर चुके हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कैजुअल्टी उत्तर प्रदेश में हुई है 73 लोगों की, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी न्यूज़ थी। इसके बाद देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो थंडर स्टॉर्म आ रही है आ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, जो टेम्परेचर में बदलाव हो रहे हैं, अचानक से इतनी गर्मी बढ़ रही है, उस वजह से भी थंडर स्टॉर्म आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप चाहें आप राजस्थान का लें तो यहाँ पे देखिए कई जगहों पे 40 डिग्री से ऊपर सेल्सियस के टेम्परेचर थे। वहीं पे आप राजस्थान के अलावा अगर कहीं और का भी देखना चाहें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी देखिए, वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा अभी। तो मेन जो यहाँ पे है कि जो इतना मतलब अचानक से इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और इनके वजह से, तो इस वजह से ये सब क्रिएट हो रहा है। और अब इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्कीम और कुछ ना कुछ ऐसा अपनाना होगा जिससे कि पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें कम हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है कि इंडिया गेट्स 200 मिलियन लोन फॉर न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $200 मिलियन का लोन देने की बात करी और पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 315 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगी और जिसमें 10 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे, 10 करोड़ लोगों को कम से कम से बेनिफिट होगा, जिसमें पर्टिकुलरली जो हेल्प करने के लिए किया जा रहा है वो किया जा रहा है जो बच्चे हैं 6 साल से कम के लिए उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, इसके अलावा जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है। तो तीन इसमें बेसिकली जो लोगों का बेसिकली भलाई करने की सोची जा रही है उसमें जो पर्टिकुलरली वुमेन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स, ठीक है। और 315 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसको 3 साल में 3 फेजेज में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई 2017 से 2020 के बीच में, 3 फेजेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा देखिए इसका जो टारगेट है वो 2% दोस्तों कम करने का है, रिडक्शन इन बोथ अंडर न्यूट्रिशन एज वेल एज लो बर्थ वेट पर एनम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ को इन्होंने टारगेट किया है, वो किया है कि 2% रिडक्शन करेंगे ये किस किस चीज़ों में, एक है अंडर न्यूट्रिशन में और इसके अलावा लो बर्थ वेट में पर एनम, ठीक है। पर साल में जो 2% का डिक्रीज करेंगे जो इनका डाटा निकलता है उसमें जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे होंगे, अंडर न्यूट्रिशन लोग होंगे, इसके अलावा लो बर्थ वेट जिसका होगा, तो इन दोनों में 2% की कमी लेके आएंगे, इन्होंने इसका वादा किया है, ठीक है। ये इनका टारगेट है, आप इसको बेसिकली पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने इसका सार बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ छूट नहीं रही, लेकिन स्टिल आप एक बार आर्टिकल पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका दोस्तों बजट देख लेते हैं, तो बजट देखिए दोस्तों अराउंड कुछ 9046.17 करोड़ का है, जिसमें स्टेट को ये दे रहे हैं और सेंट्रल में जो एलोकेशन हुआ है इसमें स्टेट को 1700 करोड़ के अराउंड का हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 2849.54 के अराउंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई मैं नई चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों जो बचा हुआ, इनके अलावा जो बचा हुआ बजट होगा वो कुछ मल्टी लेटरल एजेंसीज देंगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई या कहीं और से ये लोग लोन लेंगे, तो बाकी का बजट ये उनके से अपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसमें 3% और कोई चीज़ डिक्रीज़ करने की बात करी, वो है अनीमिया, ठीक है। जो अनीमिया रोग है उसको 3% कम करने की बात करी गई है यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट वुमेन और गर्ल्स के अंदर, ठीक है, 2020 तक। तो 3% का डिक्रीज़ करेंगे या अनीमिया के अंदर, 2% का रिडक्शन करेंगे या अंडर न्यूट्रिशन लो बर्थ वेट के अंदर। तो ये इसका पूरा का इनका जो ये प्रोजेक्ट है इसका पूरा सार। इसके अलावा देखिए एक न्यूज़ और थी जिसका मैंने यहाँ पे आर्टिकल पेश करना भूल गया हूँ। देखिए दोस्तों इस जो न्यूज़ थी उसमें ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था जो इरोजन ऑफ महाकालेश्वर लिंगा हो रहा है, जैसे जो महाकालेश्वर की जो प्रतिमा है वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे। उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर की जो प्रतिमा स्थित है, महाकालेश्वर सभी को पता है काफ़ी बड़ी जगह है, तीर्थस्थल है उज्जैन, तो वहाँ पर लोग जाते हैं देखने के लिए। तो उसमें जो लॉर्ड शिवा का लिंगम है वो काफ़ी मतलब ख़राब होता जा रहा है, उसका इरोजन होता जा रहा है, तो उसी पे एक पेटिशन फाइल हुई थी कोर्ट में। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हम सभी के ऊपर एक ड्यूटी क्रिएट करता है, और वो ड्यूटी होती है कि हम एक दूसरे के जो कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, उनके जो भी कल्चरल रिलीजियस उनके जो भी सेंटीमेंट्स हैं उससे जुड़ी चीज़ें हैं उसका रेस्पेक्ट करना है और उसकी रक्षा करना हम सभी की फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक डिसीजन आया है। इसके बाद हमारी जो आखिरी न्यूज़ है वो है पुतिन सॉन इन फोर्थ टर्म। देखिए व्लादिमीर पुतिन चौथी बार रशिया के लगातार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनका जो 2 डिकेड का अराउंड का शासन हो चुका है उसमें 6 साल फिर इजाफा कर दिया है इन्होंने, 6 साल तक फिर ही वहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये 65 साल के अराउंड हो चुके हैं और 1999 से रशिया के लीडर हैं, रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तब से उन सत्ता में हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों इस बार ये 77% ऑफ वोट से सत्ता में आए हैं, जिसमें इन्होंने देखिए करते क्या है, कहने के लिए रशिया डेमोक्रेटिक कंट्री है पर है ये आपका इसे डिक्टेटरशिप ही, ये जो भी इनके अपोजिशन होती है जो तगड़ी अपोजिशन होती है उनको बैन कर देते हैं रनिंग से, ठीक है, मिलिट्री जो कि इनके अंडर में, तो उसका फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ दिनों बाद ये जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सत्ता में रहने वाले प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। देखिए अभी क्या है कि पहले 3rd नंबर पे थे ये, पर इन्होंने अभी जल्द में ही लोनर्ड ब्रिजेवा को पिछाड़ दिया है, उन्होंने 6601 दिन शासन किया था, इन्होंने 6602 दिन कर दिया है, और अभी 6 साल हम जोड़ेंगे जो इनके होने वाले हैं तो क्या पता इनको भी पिछाड़ देंगे। जो स्टीफन जोसेफ स्टैनलिन जो है नंबर 1 पे हैं, जिन्होंने रशिया पर सबसे ज़्यादा शासन किया है 10636 दिन में, पर कुछ दिनों में यहाँ तक मुझे लग रहा है व्लादिमीर पुतिन इनको पिछाड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं सारी PDF इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड कराता हूँ। फेसबुक पेज के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उसको लाइक कर सकते हैं। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था बी, और आज का तो क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों द आर्टिकल, इसमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो वुमेन के राइट्स के बारे में बात करता है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आंसर आपको जो सही लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है कि गलत।
इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स से रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है करंट अफेयर्स ओनली, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके ओनर हैं सूरज मोदी, ये उनके लिंक है, आप चाहें तो इस लिंक से या फिर इस नाम से आप इन्हें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस करके इनकी वेबसाइट का आइकन है, आप करंट अफेयर्स ओनली काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से करंट अफेयर्स के लिए रोज अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।